तो पब्लिक, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने थर्ड पार्टी एमुलेटर में लेट मैच मेकिंग के इश्यू को कैसे फिक्स कर सकते हो अपने पबजी मोबाइल एमुलेटर में। अब थर्ड पार्टी एमुलेटर में गेम लूप एंड टेंशन गेमिंग बड़ी को निकाल के जितने भी एमुलेटर्स आते हैं, एलडी प्लेयर हो गया, फोनिक्स ओएस हो गया, प्राइम ओएस हो गया, थंडर ओएस हो गया, मेमो हो गया, ये सारे के सारे एमुलेटर्स जो है वो थर्ड पार्टी एमुलेटर में आते हैं। अब ये थर्ड पार्टी एमुलेटर की अपनी ही लॉबी होती है। थर्ड पार्टी एमुलेटर में ना ही गेम लूप प्लेयर आएगा ना ही मोबाइल प्लेयर आएगा, आपके अगेंस्ट सारे ही थर्ड पार्टी एमुलेटर्स प्लेयर आएंगे। अब जो कि ये थर्ड पार्टी एमुलेटर की लॉबी है तो इसमें आपको मैच मेकिंग का बहुत ही ज्यादा इशू आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी वीपीएन या कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताने वाला अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ऐसी कोई ट्रिक है ही नहीं, ना कोई हो सकती है। एक चीज आप मेरे जहन में रखें, जब कोई प्लेयर ऑनलाइन होगा तब ही आपको मैच मिलेगा, ये बात याद रखें, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि पबजी कोई अपने प्लेयर भेज देगा कि आप इनके साथ खेल लो। जो यूट्यूब पे आपको वीपीएन वाली ट्रिक बताई जाती है ना, वो बेवकूफ लोग हैं, उनकी सारी वीडियो फेक है। और दूसरी जो आपको बताते हैं कि कोरियन पे खेलो, वो भी ट्रिक सारी की सारी फेक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और एक और ट्रिक है बहुत ही ज्यादा फेमस है कि आप मैच मेकिंग करके गूगल क्रोम को ओपन कर लो तो आपकी मैच मेकिंग फास्ट हो जाएगी। ये सारी ट्रिक्स जो है वो बिल्कुल फजूल ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एलडी प्लेयर चला के रखा हूं। अब ये जो टिप्स हैं वो सारे एमुलेटर में वर्क करती हैं, क्योंकि सारे एमुलेटर मतलब गेम लूप एंड टेंशन गेमिंग बड़ी को निकाल के सबकी लॉबी सेम ही होती है, अगेंस्ट एक दूसरे के आते हैं प्लेयर। पहली चीज मेक श्योर करें कि आपका जो सर्वर है वो यूरोप होना चाहिए। थर्ड पार्टी एमुलेटर में ना ही मिडिल ईस्ट की लॉबी लगती है ना ही एशियन लॉबी लगती है, इनको आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, इसके लिए आपका यूरोप सर्वर होना चाहिए। अगर आपको थर्ड पार्टी एमुलेटर में खेलना है तो यहाँ पर आपका सोलो मैप नहीं लगेगा, डुओ मैप नहीं लगेगा, आप स्क्वाड में ही खेल सकते हैं। थर्ड पार्टी एमुलेटर में आप किसी भी टाइम नहीं खेल सकते, इसकी एक टाइमिंग होती है, जिस टाइम पे मैच मेकिंग होती है उस टाइम पे आपको खेल सकते हो। थर्ड पार्टी एमुलेटर की जो मैच मेकिंग होती है वो सुबह 11 बजे से लेके रात 3 बजे तक आप जितना चाहे उतना खेल सकते हैं। 3 बजे के बाद रात के आपकी मैच मेकिंग नहीं होगी, फिर सुबह वो 11 बजे से फिर से स्टार्ट होती है। कि जितने भी मैप आपके आगे मैं बताऊंगा वो इसी टाइम के अंदर अंदर आपके मैप्स लगेंगे, तो ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा इवेंट वाला मैप है वो बहुत ही लेट लगता है एरेंगल में, लेकिन अगर आप सिंपल एरेंगल खेलना चाहते हैं तो आपका सिंपल एरेंगल भी बहुत ही ज्यादा लेट लगेगा। तकरीबन आप ये समझिए आपको आधा या दो दो घंटे तक भी वेट करना पड़ सकता है, स्टार्ट मैच मेकिंग कर करके आपकी जो है ना एरेंगल में मैच मेकिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मैप है जो खेला जाता है वो है लिविक। अगर आपका इवेंट आया है तो लिविक इवेंट के साथ, अगर इवेंट नहीं आया तो विदाउट जो है ना इवेंट के साथ आप लिविक को खेल सकते हो, ये सबसे ज्यादा चलता है। इसी के साथ साथ जैसे कभी कभार सनो के ऊपर इवेंट आ जाता है या अदर मैप के ऊपर इवेंट आ जाता है, जैसे अभी सनो के ऊपर इवेंट आया हुआ है। ये जो सनो के ऊपर इवेंट आया ना, अब ये स्टार्टिंग में जब नया नया इवेंट आता है तो आप इसमें सनो को खेल सकते हो, लेकिन अब के टाइम पे जो कि इवेंट को 2 से 3 दिन हो गए तो सनो भी नहीं लगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो दूसरे मैप है वीकेंडी हो गया, मीरामार, इनमें से कोई भी मैप आपका स्टार्ट नहीं होगा। आप किसी भी टाइम पे इस मैप को स्टार्ट करें, आपका ये मैप नहीं लगने वाला। अगर यहाँ पे हम अनरैंक्ड की बात करें तो यहाँ पे अनरैंक्ड में ये जो ड्रैगन बॉल्जी वाला है ये नहीं चलेगा, इसके साथ साथ जितने भी इवेंट्स आते हैं। क्लासिक में बात करें, यहाँ पर जितने भी मैप्स हैं आप सारे मैप्स जो है वो यहाँ पे खेल सकते। जैसे आप, मैंने ये मैच सेलेक्ट किया, उसके बाद जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो 4 मिनट के बाद मेरा मैच स्टार्ट होगा, पूरे 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा मैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर हद लगे तो 8 मिनट के अंदर मेरा मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस मैच में कोई भी रियल बंदा नहीं आएगा, ये बात याद रखे। अनरैंक्ड में जितने भी मैप है ये स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन इनमें सारे के सारे बोट्स आएंगे। कभी कभार ऐसा रियल हो जाता है कि कोई ऐसा रियल बंदा जो आपके साथ मैच मेकिंग में हो वो आपकी लॉबी में आ जाता है, अदरवाइज ये सारे के सारे बोट्स आएंगे, लेकिन लगते सारे हैं अनरैंक्ड में। अगर आपको मिशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप अनरैंक्ड में जा सकते हैं, सारे बोट्स आते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे अरीना की बात करें, यहाँ पर टीम डेथ मैच चलता है, अरीना चलता है, एंड गन मैच जो है वो मर्जी से चलता है, कभी कभार चलता है कभी नहीं चलता, लाइब्रेरी का भी वही सीन है। इसी के साथ ये जो अल्टीमेट अरीना, ये जितने भी साइड पे आते हैं इन सबको आप नहीं खेल सकते। अब अगर आपको इन तीनों मैप्स को खेलना है तो एक रिक्वायरमेंट है छोटी सी, वो ये है अगर आपकी बिल्कुल न्यू आईडिया टीडीएम में तो आप नहीं खेल सकते, क्योंकि टीडीएम का भी लेवल होता है, तो आप जितना मर्जी स्टार्ट करें ये नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड्स प्लेयर इनके पास होते नहीं, सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी में ना ओल्ड प्लेयर्स ही होते हैं, तो इसकी वजह से ये मैच मेकिंग नहीं लगेगी आपको। इसके लिए आपका टीडीएम का लेवल अप होना चाहिए, अगर नहीं है तो मोबाइल या गेम लूप वगैरह पे खेल के आप कर सकते हो, तब आपका ये चल जाएगा। अगर बात करें अदर मैप्स की तो इसमें यहाँ पे कोई भी मैप नहीं चलता, ये 2 मैप चलते हैं, क्विक मैप एंड वार मैप, वो भी बहुत ही रेयर, अगर आपकी किस्मत है तो चल जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है दोनों की चलने की वो 3 बजे के है, शाम के 3 बजे आप इनको ट्राई करें तो हो सकता है ये आपके लग जाए, अदरवाइज ये भी नहीं लगते। यहाँ पे बात कर लेते हैं वाओ मोड की, तो वाओ मोड थर्ड पार्टी एमुलेटर में नहीं चलता, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा फास्ट मैच मेकिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज, अपनी स्क्वाड के साथ खेलें। जी हाँ, अगर आपके पास स्क्वाड है तो उसके साथ खेलें। यहाँ पर आपको अगर सोलो अगर आप हैं तो आपको 9 मैच मेकिंग करके खेलना है, ऑटो मैच मेकिंग बहुत ही तंग करती है, तो आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये थर्ड पार्टी एमुलेटर की लॉबी है। एक और चीज समझने वाली है, देखिए अगर आपका जो रैंक है वो
बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आपका रैंक गोल्ड से ऊपर ऊपर है तो आपकी मैच मेकिंग जो है वो 11 बजे के बाद फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो गोल्ड का टीयर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब सिल्वर पे हो आप या फिर ब्रॉन्ज पे हो, उस केस में अगर प्लेयर्स काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, मतलब जैसे अभी ये सीजन रीसेट हुआ है तो रैंक भी सबका गिर गया होगा, उन दो दिन तीनों में अगर आपका ब्रॉन्ज 5 या सिल्वर है तो तब तो आपका मैच हो जाएगा, परफेक्टली स्टार्ट होगा। लेकिन 3-4 दिन ईव, जैसे अभी 2 से 3 दिन हो गए इस इवेंट को आए, अगर अब आप जो है वो यहाँ पर गोल्ड से नीचे सिल्वर या ब्रॉन्ज के टीयर पे हैं, अब आप मैच मेकिंग स्टार्ट करेंगे तो 11 बजे आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको स्टार्ट करना है 3 बजे के टाइम पे, तब आपका मैच लगेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा आपको तंग करेगा। आपने मैच मेकिंग स्टार्ट करके ना आपने कोई खाना खुना वगैरह खाने चले जाना, इजी होके आपका मैच लगता है। एक और चीज, अगर आपका रैंक बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे आप जो है वो यहाँ पे गोल्ड पर है और आपका प्लेयर जो है वो सिल्वर पर है, तो आप ये समझ रहे कि भाई मैं उसे इन्वाइट कर लूंगा तो हम दोनों जो है ना खेल सकेंगे, मेरी वजह से उसका भी जो है ना मैच मेकिंग फास्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप उसको इन्वाइट करेंगे तो उसकी लोबी अप्लाई होगी, जैसे अगर आप गोल्ड पर हैं और आपका प्लेयर सिल्वर पर है आपका फ्रेंड, तो आपकी अगेंस्ट जो है ना वो गोल्ड प्लेटिनियम के प्लेयर नहीं आएंगे, आपके अगेंस्ट जो प्लेयर आएंगे वो ब्रॉन्ज के आएंगे एंड सिल्वर के आएंगे। ये पबजी के नए अपडेट में चीज आई है। तो अगर आप हैं गोल्ड पर तो कोशिश करें सिल्वर वाले फ्रेंड के साथ ना खेलें, उसे बोलें कि भाई पहले तू गोल्ड पर आ जा पुश करके, उसके बाद हम मिलकर खेलेंगे। अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब आपका इंटरनेट बार बार चला, जैसे मैच मेकिंग स्टार्ट करी फिर इंटरनेट चला, गेम लोडिंग भी आ गया, फिर से होगा, तो आप कोशिश करें आप मैच मेकिंग ना लगाएं, अपने उस फ्रेंड को मैच मेकिंग दें जिसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, स्टेबल चलता है। देखिए आपने मैच मेकिंग स्टार्ट की, आपका गेम पीछे से इंटरनेट चला गया और फिर दोबारा आ गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन जो लोबी होगी ना वो छूट जाएगी, मतलब आपको जो क्यू में लगे होंगे ना वो आप उससे पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से मैच स्टार्ट हो जाएगा और आप अभी भी जो है ना मैच मेकिंग के बैठेंगे। इसलिए उस प्लेयर को आप यहाँ पे लीडर बनाए, उसको कहें कि स्टार्ट कर जिसका जो है वो इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर कोई ऐसी वीपीएन वाली ट्रिक नहीं बताई, आप देख सकते हैं मेरे पास वीपीएन पड़ा हुआ है, ये देखें मैं बता सकता हूँ। जो केआर वगैरह पे आपको लोग गलत गाइड करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है, ये पहले ही ऐसे है, जैसे एक बंदे का ऑटोमेटिकली मैच फास्ट लग गया, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, ऐसे कर करके ये गलत बातें जो है ना लोगों में फैली हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।